आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सोची समझी साजिश थी दिल्ली हिंसा, साथ ही यह भी कहा है कि सीसीटीवी को तोड़ना भी इसी प्लानिंग का हिस्सा था। सरकारी कार्यों को अस्त व्यस्त करने के लिए ये पूरी प्लानिंग पहले से ही रची गई थी। ये अचानक कोई दंगे राजधानी दिल्ली में नहीं भड़के थे। तो आपको बता दें, सीए के विरोध में राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में जो दंगे भड़के, उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तमाम बड़ी टिप्पणियां की हैं और साफ तौर पर ये कहा है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई, जो दंगे भड़के, वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। आपको बता दें, इन दंगों में हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद इब्राहिम की बेल याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने यह कहा कि मौजूदा सबूत इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि करते हैं कि शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक पूर्व नियोजित साजिश रची गई थी। यानी दिल्ली दंगा कोई अचानक दंगा नहीं हुआ था। जाहिर तौर पर उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे और उस वक्त यह दंगा राजधानी दिल्ली में भड़का था। यह पूरी हिंसा हुई थी और पहले से ही लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से और खासतौर पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की ओर से यह कई बार कहा गया कि दरअसल ये पूरी प्लानिंग के तहत दंगे भड़के हैं। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पर मुहर भी लगा दी है। कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि फरवरी 2020 में देश की राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने वाले दंगे स्पष्ट तौर पर एकदम से नहीं हुए हैं। वीडियो और फुटेज में दिखने वाले प्रदर्शनकारियों का बर्ताव, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया है, साफ तौर पर उसमें ये दिखाई देता है कि ये सरकार के कामकाज को अस्त व्यस्त करने के लिए और साथ ही शहर के लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए एक पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी, एक सुनियोजित प्रयास था। ये कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। तो जस्टिस सुब्रमण्यम ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को भी व्यवस्थित ढंग से नष्ट किया गया था, जो शहरों में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पूर्व सुनियोजित साजिश के अस्तित्व की पुष्टि करता है। यानी जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज को खत्म किया गया था और जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो कोर्ट तक पहुंचे हैं, जिसमें कई वीडियोस भी दिल्ली दंगे की सामने आई है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ये पूरी प्लानिंग थी और ये सोची समझी पूरी साजिश थी दिल्ली को भड़काने की, सीए के विरोध में जो लगातार प्रदर्शन वहां किया जा रहा था। साथ ही कोर्ट की ओर से यह भी कहा है कि ये पूर्व नियोजित साजिश इसलिए थी क्योंकि जो तथ्य सामने रखे गए हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये जो दंगाई हैं, इन्होंने बेरहमी से पुलिस अधिकारियों पर लाठी डंडे और बेल्ट चलाए हैं, किस तरीके से पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया है, ये साफ तौर पर इन सीसीटीवी फुटेज में, इन वीडियोज में दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें, सीए के विरोध में ये दरअसल दिल्ली में दंगे भड़के थे, जिसमें हेड कांस्टेबल दलाल की हत्या के मामले में मोहम्मद इब्राहिम ने जो अपनी बेल याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी उस पर ये पूरी सुनवाई थी। लेकिन जो अभियोजन पक्ष की ओर से तमाम वीडियोस कोर्ट में दायर किए गए थे, उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद इब्राहिम जो है वो नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिससे ये साबित होता है कि हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत जो थी वो भी पूर्व नियोजित थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली दंगे कुछ ऐसे नहीं थे जो अचानक भड़क गए। कोर्ट ने साफ तौर पर इब्राहिम की बेल याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भले ही इब्राहिम क्राइम सीन पर नहीं दिखा, लेकिन भीड़ का वो हिस्सा था, वो जानबूझकर अपने इलाके से 1.5 किलोमीटर दूर गया था और उसके हाथ में तलवार थी जिसका इस्तेमाल किसी भी नुकसान के वक्त किया जा सकता था। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी पूरे वाकये में जो है वो देखा गया है, याचिकाकर्ता की तलवार के साथ वाली फुटेज काफी भयानक है, जो याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने के लिए
पर्याप्त सबूत है, ये साफ तौर पर कोर्ट की ओर से कहा गया है। लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान जो दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से दिल्ली दंगों को लेकर कड़ी टिप्पणी की गई है, वो साफ तौर पर यही है कि ये दरअसल पूरी प्लानिंग थी। और इसके बाद बीजेपी नेता प्रवेश सिंह साहिब की ओर से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली दंगों की साजिश पूर्व नियोजित थी। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी ने अब यह साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में दिल्ली को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया और आम आदमी पार्टी के पार्षद एमएलए दंगों को भड़काते रहे और अरविंद केजरीवाल इस पूरे प्रकरण पर सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर खड़े रहे, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो सीए के दौरान राजधानी दिल्ली में जो दंगे भड़के उसमें आपको बता दें आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ताहिर हुसैन, जिन्होंने पूरी प्लानिंग तैयार की थी किस तरीके से हथियार जो है वो इकट्ठा किए गए थे, ये बड़ा खुलासा हुआ था। और हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की इस पूरी टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी उल्टा बीजेपी पर हमलावर नजर आई। आम आदमी पार्टी की ओर से बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उल्टा बीजेपी पर निशाना साधा किया और ये कहा गया कि दिल्ली दंगों में दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं। अनुराग ठाकुर ने गोली मारो के नारे दिए, कपिल मिश्रा ने डीसीपी के संरक्षण में दंगे भड़काने का काम किया, दिल्ली का हर व्यक्ति जानता है कि दंगों से केवल बीजेपी को फायदा होता है, ये सौरभ जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के उनकी तरफ से बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जो बीजेपी नेता है कपिल मिश्रा, उन्होंने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए ये साफ तौर पर लिखा कि 1.5 साल से हम यही कह रहे हैं जो आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर कहा है। दिल्ली दंगे सुनियोजित तैयारी से हथियार इकट्ठे करके हजारों लोगों की मारने की योजना बनाकर किए गए थे और मीडिया में बैठे बड़े बड़े लोग, कई राजनेता और फर्जी इंटेलेक्चुअल इन आतंकियों को बचाने के लिए मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगाते रहे, ये उनकी तरफ से जाहिर तौर पर ट्वीट किया गया है। बकायदा एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया है, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आज उनकी ये बात सच साबित हुई है कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित तरीके से तैयारी इन दंगों की गई थी, जो कि अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे और उससे पहले ही सीए विरोधी जो थे उनके तरफ से ये कहा गया था कि कुछ बड़ा होगा और इस तरीके से हिंसा भड़काने का काम किया गया, तो अब हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है कि क्या आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जो पहले ही इन दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और साथ ही विधायक अमरतुल्ला खां से लेकर कई ऐसे नेता हैं जिन पर लगातार सवाल उठते आए हैं, और एक बार फिर हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी अब सवालों में घिरती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि इन तमाम जो ये लिबरल गैंग पत्रकार हैं और साथ ही ये वामपंथी दल हैं, ये उदारवादी जो लोग हैं, इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भारत को अपमानित करने के लिए इन दंगों की योजना बनाई थी और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि दरअसल ये पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार की गई थी, ये कोई अचानक दिल्ली में दंगे नहीं भड़के थे। आपको बता दें कई लोगों की जान इन दिल्ली दंगों में गई थी, कई लोग बेघर हुए थे और जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के, वहां एक आईबी इंस्पेक्टर की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी, तो बेरहमी से लोगों को मारा गया था। और यही वजह है कि अब करीब 1.5 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर यह बड़ा खुलासा किया है। हालांकि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की ओर से पहले ही लगातार इसको लेकर खुलासे किए गए थे कि दिल्ली दंगे पूरी प्लानिंग के साथ हुए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उनकी बात पर मुहर भी लगा दी है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की बौखलाहट इस तरीके से सामने आई है कि अब इसका आरोप जो है बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है। लेकिन सीए के विरोध में जो लोग शाहीन बाग में बैठे, उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी की ओर से भी किया गया, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी की ओर से भी किया गया और पूरी प्लानिंग एक रची गई और उसके तहत दिल्ली में इस तरीके से
दिल्ली को ये दहलाने की बड़ी साजिश रची गई। दिल्ली में कई लोगों की जान गई, कई लोग बेघर हुए। लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट की इस टिप्पणी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार को राजधानी दिल्ली में पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।